लखनऊ के होटल लिवाना में लगी आग मामले में एक्शन सामने आ रहा है। गृह ऊर्जा नियुक्ति एलडीए और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। अनियमितता लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है। रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ नियमों के तहत भी कार्रवाई की खबर आ रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े किए गए लिवाना होटल अग्निकांड में गुनाहगारों का पर्दाफाश हो गया है। देखिए आप अग्निकांड की रिपोर्ट के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी गई। जिम्मेदार अधिकारियों में कौन कौन है ये अब सामने आ चुका है। अब उन पर गाज गिरनी तय है। तो देखिए इस रिपोर्ट के बाद किस पर गाज गिरी है, कौन कौन इसके दायरे में आए, ये हम आपको बताते चले। इन अधिकारियों पर गाज गिरी है। गृह विभाग के अधिकारी पर गाज गिरी है, ये जांच के दायरे में दोषी पाए गए हैं। सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी एनओसी देने के लिए, लेकिन इन्होंने एनओसी दे दी बिना कुछ देखे समझे। खामियाजा भुगता कितने लोगों ने, ये आपके सामने है। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, इनका भी नाम सामने आया है। विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ये समझ रहे हैं आप, ये बड़े बड़े नाम हैं जो जांच के दायरे में आने के बाद अब इन पर गाज गिरनी तय है। इन अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। ये देखिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। देखिए जितना पावर दिया गया था और जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसमें खामी थी। विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, इन पर गाज गिरी है। आशीष कुमार मिश्रा अपर अभियंता, इन पर गाज गिरी है। राजेश कुमार मिश्रा उपखंड अधिकारी, इन पर गाज गिरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बताते चले कि और भी अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आया है। नियुक्ति विभाग के अधिकारी पर गाज गिरी है। महेंद्र कुमार मिश्र पीसीएल एलडीए, इनका नाम भी सामने आया है। और इसके अलावा भी एक अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें अधिकारियों के नाम है जो दोषी पाए गए हैं। एक अच्छी लिस्ट में कितने कितने नाम और उसके क्या माने, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से जुड़ चुके हैं। अनुभव ये बताइए, ये तो अच्छी खासी लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें बड़े से छोटे नाम दिखाई दे रहे हैं, कुछ है जो हाईलाइट होना चाहिए, जिन्हें जिनके बारे में खास तौर से पता होना चाहिए दर्शकों को? देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, और अगर हम कहें कि योगी 2 में अब तक सबसे बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार पर हुआ है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर तो योगी 1 से ही काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की ये जो लिवाना होटल था वहाँ पर जो आग लगी, 4 लोगों की जान चली गई, ऐसे में जब रिपोर्ट आई लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर और लखनऊ के जो मंडलायुक्त है रोशन जैकब, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी शासन ने संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह को, उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पूरी रिपोर्ट का अवलोकन किया, उसके बाद साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदार जो भी लोग हैं चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गए हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए 15 तो ऐसे अफसर हैं जो अभी भी तैनात हैं, यानी अभी भी काम कर रहे हैं, कोई दूसरी जगह कर रहा है, कोई पहले जहां पर था उस जगह से अलग जिले में काम कर रहा है, लेकिन वो 15 अफसर तो आए हैं इस कार्रवाई की जद में। 4 ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आप देखिए गृह विभाग भी है इसमें शामिल, इसके अलावा आबकारी विभाग भी है, आवास विकास विभाग भी है, नियुक्ति विभाग भी है। 5 विभागों के जो 15 हम कहें जो कर्मचारी हैं जो दोषी हैं कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का, जो ये होटल खड़ा हुआ था उसमें उनकी भी संलिप्तता है। क्यों वो एनओसी देते गए, क्यों वो कागज देते गए, क्यों वो परमिशन देते गए, क्यों वो एक फ्लोर के बाद दूसरे फ्लोर की परमिशन देते गए, इन सारी चीजों को ही देखने के बाद, उस रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी मत छोड़ो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो। 15 अफसर ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनको तो निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय जो जांच होगी वो हो ही रही है, इसके अलावा अन्य तरीके से जो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो भी शामिल है। 4 अफसर ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ जांच की जाएगी, उनकी भी भूमिका की जांच होगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, साफ तौर पर अगर भ्रष्टाचार होगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो कितने वक्त पहले ही क्यों ना रिटायर हो गया हो, अगर भ्रष्टाचार की फाइल में उसके भी दस्तखत होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में आएगा। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, मुख्यमंत्री ने तो मैसेज दे दिया है, अब अधिकारियों को मैसेज देना है, अधिकारियों को ये बताना है कि इस तरीके की चीजें आगे ना होने पाए। अब हर जगह से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि कैसे है, कितने हर जिले में अवैध होटल हैं जो इलीगल तरीके से बने हैं, बिना एनओसी के चल रहे हैं। आप ये सोचिए, बिल्कुल अनुभव ये है कि 15 अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे, कार्यरत हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
बाकियों पर जांच की जाएगी। देखना ये होगा कि जांच के दायरे में जो जो लोग आ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, खासकर वो 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स का क्या होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।